नमस्ते किशन भैया, राकेश बैपल बर्ड नर्सरी से स्वागत है। ये हमने आपको बोला था जो हमारा मदर प्लांट्स हमने 2 एकड़ में लगाया है, यहाँ पर बहुत सारे अमरुद का वैरायटी हमने लगाया है। करीब अमरुद में कम से कम 5-6 आइटम हमने लगाया है पौधा। तो ये डिस्टेंस 6x आपका आड़ में आड़ रेप साइड आपको 8 आएंगे और पौधे से पौधे 5 फीट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते सभी अमृत में कम से कम 7 वैरायटी है। ये अमृत का ये थाई सुपर किरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग आ चुका है ऑलरेडी, अभी छोटा ही प्लांट है, देखने में बहुत ही छोटा है। आप देख के आपको पता चल गया, ये देख लीजिए बहुत ही छोटा प्लांट है ये। ये आपका थाई सुपर किरण गोवा प्लांट से, ये पौधा हमने बाहर से मंगवाया था, तो हमने प्लांटेशन कर रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये भियानार बिही जो गोवा प्लांट है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भियानार बिही गोवा प्लांट है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से जितना दूर आपको दिखाई दे रहा है लास्ट तक देख लीजिए, लास्ट तक जो लोग काम कर रहा है देख लीजिए, यहाँ तक पूरा हमारा बगीचा है, पूरा देख लीजिए। मैं दिखाता हूँ, हमने पौधा लगाया है पूरा, कम से कम 2000 पौधा लगाया है, ठीक है, 2 एकड़ में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा बगीचा है, देख लीजिए सभी प्लांट लगा हुआ है, देख लीजिए। ये पूरा हमारा मदर प्लांट है, ठीक है। अभी माल रेडी होगा 7-8 महीने के अंदर, अभी प्लांट सब तैयार हो रहा है, ठीक है। और ताइवान पिंक इसका अंदर भी बहुत सारा वैरायटी है। ये जैसे थाई सुपर किरण है, यहाँ पर जो है आपका भियानार बिही गोवा प्लांट से, और मैं दिखाता हूँ देख लीजिए, इसका अंदर ताइवान पिंक भी है। देखिए थाई सुपर किरण में देख लीजिए, अब प्लांट बहुत ही छोटा है लेकिन किस तरह से इसमें फ्लावरिंग आता है आप देख लीजिए थोड़ा। और ये पूरा हमारा खेत है देख लीजिए, अभी 100 लोग काम कर रहा है देख लीजिए लास्ट तक, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पौधा हमने लगाया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें भरपूर फ्लावरिंग आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, देख लीजिए। ये थाई सुपर किरण है, ये बहुत स्वीटनेस होता है और खाने में बहुत मीठा होता है, कंटिन्यू ये 12 महीने होता है देख लीजिए, ये कंटिन्यू यहाँ पर 2-3 कलियाँ निकल रही है, यहाँ पर भी निकल रहा है, कंटिन्यू होते रहते हैं ये 12 महीने, ठीक है। इसके अलावा ये ताइवान पिंक जो पेरू बोलता है, जो पिंक कलर का होता है, इसमें भी अभी कलियाँ फूल भी आ रहा है आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ताइवान पिंक गोवा प्लांट से, ये भी यहाँ पर भी ताइवान पिंक से, इसमें सब में फ्लावरिंग आ चुका है, फ्रूट भी बनना शुरू हो गया, कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, ये देख लीजिए फ्लावरिंग से फ्रूट कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी देख सकते इसमें कलियाँ भी आ रही है और फ्रूट के साथ भी, वो भी अभी तक 1 फीट का भी हाइट नहीं हुआ है, फिर भी इसमें कितना सारा फ्लोरिंग आ रहा है आपको देख लीजिए। सीज अगर ओरिजिनल होगा तो छोटा में ही आपको फ्रूट मिलेगा, देख लीजिए हमारा पूरा ये बगीचा हमने पूरा 2 एकड़ में लगाया है पूरा, सब ये जो प्लांट आप देख रही है, ठीक है। अगर 6 ही माल हो तो छोटा में ही आपको फ्रूट आएंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ताइवान पिंक पेरू है, इसमें भी भरपूर फ्रूटिंग लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। और मैं कुछ और फ्रूट का आइटम दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ कमला जो थाईलैंड से आया हुआ है, ये चाइनीज़ कमला बोलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ कमला है, ठीक है,
ये अभी प्लांट बहुत ही छोटा है, मतलब 4-5 महीने के अंदर ये भी इसमें फ्लोरिंग भी आ जाएगा, वो भी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सब चाइनीज कमला है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा जैक फ्रूट जो ऑल टाइम वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ऑल टाइम जैक फ्रूट प्लांट है, ये अभी मुकुल आने वाला शुरू हो गया है, आप देख लीजिए। ये छोटा ही प्लांट है, देख लीजिए कितना छोटा प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा जैक फ्रूट प्लांट लगा हुआ है सब, ठीक है। और बहुत सारे आइटम मैं दिखाता हूँ। ये है आपका 1 kg, जो 1 kg अमृत बोलता है, ये है 1 kg गुआवा प्लांट से, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकती है अभी फ्लोरिंग से कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फ्रूट आने कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, ये 1 kg गुआवा प्लांट से, ठीक है। ये सब 1 kg है। इसके बाद हमारा सादा बाहर कागजी जो लेमन है वो भी लगाया है खेत में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ये आपका थाई जामुन, ये थाई जामुन का पौधा है, देख लीजिए। अभी सब प्लांट सब लगा हुआ है, करीब 4-4.5 महीने का ये पौधा है। ये ब्लैक जामुन का है जो थाई वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने बताया था, ये 1 kg की तरफ नाम से जाना जाता है इसको, ये थाई 1 kg है। यहाँ पर भी देखिए इसका वजन लगभग फ्रूट का वजन होता है 1 किलो 1200-1400 ग्राम तक होता है एक एक फ्रूट का, ठीक है। ये प्लांट से ये 1 kg है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो स्वीट बारी माल्टा जो बोलता है, ये है स्वीट बारी माल्टा जो प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वीट बारी माल्टा है। देखिए दोस्तों और भी बहुत सारा आइटम है, अभी तो समय नहीं मिल रहा है, ताकि हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो मैं और एक दिन आपको वीडियो करके दिखाएं। इसके अलावा आपका जो जांबूरा है, जांबूरा भी हमारे पास है, वो आपको दिखाई दे रहा शायद, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका जांबूरा प्लांट्स, ठीक है। और भी बहुत सारे आइटम है। इसके अलावा थाई सीडलेस का जो गुआवा प्लांट है जिसके अंदर बीज नहीं होता, वो भी हमारे पास सब तैयार है, ठीक है, वो भी माल उधर है। उसके अलावा थाई सेवन भी है, और इसके बाहर सादा बाहर कागजी जो लेमन है वो भी है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद है, और हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम अगले भी डिटेल्सली आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भारत, जय किसान।